दोस्तों आज हम बात करने वाले SSRP नंबर प्लेट यानी आई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। यदि आप एक व्हीकल के ओनर है और आपने अपने व्हीकल में आई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगा, इनके यदि आप पकड़ जाते हो तो आपसे 10,000 रुपये का आपसे पेनाल्टी चार्ज किया जाएगा। तो कैसे आप अपने मोबाइल की सहायता से घर बैठे आपको आई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए कैसे आपको ऑर्डर करना है, इस वीडियो में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते। तो आपको अपने किसी भी ब्राउजर को ओपन करेंगे। यदि आप अपने मोबाइल की सहायता से करें तो आपको गूगल को ओपन करेंगे, या फिर अपने कंप्यूटर की सहायता से करें तो आपको अपने क्रोम को ओपन करना है। क्रोम पर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है SIEM। फिल करने के बाद आपको फर्स्ट वाला लिंक के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसका लिंक मैं अपने वीडियो को भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, जहाँ से आप क्लिक करके इस पेज पर आप डायरेक्ट ओपन हो सकेंगे। इस पेज पर आपको आ जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे बुक SSRP का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद देखेंगे SSRP रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नेम फिल करेंगे, ईमेल आईडी फिल करेंगे, स्टेट फिल करना है। इसके बाद आपको व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे, मोबाइल नंबर फिल करेंगे, डिस्ट्रिक्ट फिल करने के बाद आपको IID के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर सेलेक्ट व्हीकल टाइप करेंगे, 2-व्हीलर 3-व्हीलर कार है। इसके बाद जो भी आप देखेंगे यहाँ पर 2-व्हीलर एवरेज प्राइस 320 रुपये से लेकर 380 रुपये से आपका नंबर प्लेट का चार्ज किया जाएगा। यदि आपका 2-व्हीलर इंपॉर्टेंट आई एवरेज प्राइस रेंज है तो आपसे 700 रुपये से 500 तक आपसे चार्ज किया जाएगा। इसके बाद आपको अपने जो भी आपके पास व्हीकल है यहाँ से आपको कंपनी नेम को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यदि नंबर प्लेट के साथ स्टिकर चाहिए तो आपको फर्स्ट वाले पर क्लिक करना है। यदि आपको केवल नंबर प्लेट आपको नहीं लेना, केवल स्टिकर लेना चाहते हो तो आपको सेकंड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं नंबर प्लेट विद स्टिकर लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर फर्स्ट वाले पे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखेंगे एक नया पेज ओपन हो चुका है, जहाँ पर आपको बुकिंग डिटेल्स फिल करना है। सबसे पहले आपको अपना स्टेट फिल करेंगे, इसके बाद रजिस्टर नंबर फिल करेंगे, चेस नंबर, इंजन नंबर फिल करने का जो कैप्चा शो कराए, इस कैप्चा को यहाँ पर आपको फिल करने के बाद क्लिक एक ऑप्शन में क्लिक करेंगे। व्हीकल डिटेल्स फिल करना है, सबसे पहले आपको जो भी आपके पास व्हीकल है आपको 12 स्टेज आपको यहाँ पे फिल करना है। जो भी आपका 12 स्टेज है फिल करने के बाद आपका जो इन्फॉर्मेशन शो करें आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पहले से फिल होगा, तो यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है। सबसे लास्ट में आपको देखेंगे व्हीकल कैटेगरी में सेलेक्ट करेंगे, स्कूटर मोटरसाइकिल है, यहाँ से आपको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको ओनर नेम फिल करेंगे, ईमेल आईडी फिल करेंगे एंड मोबाइल नंबर को फिल करना है। बिलिंग एड्रेस यहाँ से आपको फिल करने के बाद यहाँ से आपको अपना स्टेट को फिल करेंगे। इसके बाद आपको अपने सिटी फिल करेंगे, यदि आपके पास GST नंबर है तो GST नंबर फिल करेंगे, या आपके लिए ऑप्शन है। इसके बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। यदि आप अपने नंबर प्लेट को अपने घर पर मंगवाना चाहते हो तो होम डिलीवरी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, या फिर आप डीलर के पास जाकर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो तो आप डीलर अपॉइंटमेंट के ऑप्शन भी क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से आपको अपने स्टेट सेलेक्ट करेंगे, UP या जहाँ से भी हो। इसके बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद अपने एरिया के डीलर के नेम को यहाँ पर सर्च करेंगे, या फिर अपने एरिया का पिन कोड को यहाँ पर सर्च करने के बाद गो के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। गो के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जितने भी आपके एरिया का डीलर है यहाँ पर प्राइस भी शो कर रहा है, तो इसके साथ में आपको कन्फर्म डीलर के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, जिस भी डीलर से लेना चाहते हो। इसके बाद एक नया पेज ओपन हो चुका है, यहाँ पर अपना अपॉइंटमेंट बुक करना है। तो यहाँ से सबसे पहले डेट को सेलेक्ट करेंगे, डेट को सेलेक्ट करने के बाद टाइमिंग सेट करेंगे, अवेलेबल भी क्लिक करेंगे एंड कन्फर्म प्रोसीड के ऑप्शन भी क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर अपने स्कोर डाउन करने के बाद कॉन्फर्म प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको अपना मोबाइल नंबर या नया फिल करना है, या फिर आप सेम एज प्रोविजन नंबर पर क्लिक करेंगे एंड इस बॉक्स पर क्लिक करने के बाद पे ऑनलाइन का ऑप्शन भी क्लिक कर देना है। इस पेज पर आपको क्लिक करने के बाद देखेंगे एक पेमेंट पेज ओपन हो चुका है, यहाँ पर आपको पेमेंट करना है। यदि आप गूगल पे, फ़ोनपे, जिसे भी पेमेंट करना चाहते हो, UPI, QR, नेट बैंकिंग इससे आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं नेट बैंकिंग SBI के नेट बैंकिंग से मैं पेमेंट करना चाहता हूँ, तो मैंने SBI के नेट बैंकिंग को सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू कर देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे मैं पेमेंट जो है कंफर्म हो चुका है, यहाँ पे मेरा स्लिप भी दिखाई दे रहा है। तो आपको प्रिंट के ऑप्शन में क्लिक करके अपने स्लिप को डाउनलोड करेंगे। यदि आपके पास प्रिंटर है तो आपने प्रिंटर के द्वारा इसको आपको प्रिंट आउट लेना है, या फिर आप नियर बाय दुकान पर जाकर आप प्रिंटर की दुकान पर जाकर इसको प्रिंट करके इसके बाद जो भी डेट पर आपने बुकिंग की है उस डेट पर जाकर आप अपने नंबर प्लेट को लेकर आप अपने व्हीकल में नंबर प्लेट लगा सकेंगे। तो इस प्रकार से आप घर बैठे अपने मोबाइल की सहायता से आई सिक्योरिटी नंबर प्लेट आप ऑर्डर कर सकेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।